तेलंगाना देखिए न्यूज में आप तमाम का खैर मुकदमे बढ़ते हैं खबर की जानब। चिलगलगुड़ा पुलिस ने पकड़ा एम्बुलेंस के चोर को। तफसीलात के मुताबिक गांधी हॉस्पिटल से एम्बुलेंस चुरा ली गई थी, जिसका नाम बताया गया यादी, जो कि सिकंदराबाद इलाके भोईगुड़ा का रिहायशी बताया गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने चोरी की गई एक एम्बुलेंस गाड़ी को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। बताया गया कि 20 सितंबर के दिन यह कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर पहले से 3 केसेस बताए गए। एक शिकायत एक शख्स के पास से पुलिस को मौसूल हुई थी कि वो करीम नगर से गांधी हॉस्पिटल को एक पेशेंट को मुंतकिल किया और गाड़ी में चाबियां रखकर पार्किंग लॉट में ये जब इमरजेंसी में पेशेंट को पहुंचाने के लिए पहुंचा तो 10 मिनट के बाद वापस आने के बाद इसकी गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थी, लिहाजा इसे चोरी होने की एक शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आज चोरी की गई गाड़ी और चोर को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में तमाम तर तफसीलात से आज डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नारजोन श्रीमती चंदना दीप्ति ने वाकिफ करवाया। बताया गया कि तमाम तर कार्रवाई श्री जी वेंकटेश्वर एडिशनल डीसीपी नारजोन, श्री एन सुधीर एसीपी गोपालपुरम, श्री जी नागेश एसएचओ, श्री के नागेश्वर राव डीआई, श्री एन साई कृष्णा एसआई क्राइम टीम चिलगलगुड़ा पुलिस स्टेशन ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्की रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज़। सितंबर को एक एम्बुलेंस का चोरी किया गया है गांधी हॉस्पिटल के सामने एंड हम पुलिस सीसीटीवी फुटेज एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ इन्वेस्टिगेट करते करते यादगिरी नाम का एक आदमी को पकड़ा है और वो एम्बुलेंस के साथ हमें इब्राहिमपट्टनम जाते हुए पकड़ा गया है। इसके ऊपर पहले भी 3 केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं एंड वो 3 भी मोबाइल थेफ्ट केसेस हैं। ये ड्रंक भी था उस टाइम। हमें क्लू ऐसा मिला है पहले कि एक आदमी बोला है कि उसका जान पहचान वाला ये आसपास में, वो बोला है कि उसको हमने देखा है एम्बुलेंस में जा रहा था। उसके पास एम्बुलेंस तो पहले नहीं था, अभी पता नहीं कैसा आ गया। तो वैसा हम बिल्डअप करते करते उनका घर जाके वहाँ से कहीं और जाके फाइनली वो रास्ता में हमें उनको पकड़ा है। एम्बुलेंस चोरी करने के उसके दिमाग में ऐसा आया कैसा कि एक इतनी बड़ी चीज चोरी कर और बेचने वाला कहाँ का काम बिकता है? वो ड्रंक है, उसको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है नहीं पता है वो हम कह नहीं सकते एंड वो आदत है उनका ये ऐसा, वो आदत उसने छोड़ा नहीं तो वो पहले भी मोबाइल चोरी किया है। वो सोचा होगा कि एम्बुलेंस ये भी चोरी कर लेते हैं, कीज भी है एम्बुलेंस भी है कोई नहीं है बोल के तो वो लेके गया है। उसके बाद क्या करेंगे वो सारे, वो सोचने की हालत में नहीं था हमारे ख्याल से।